नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपिता की जयंती पर बेसहारों गरीबों को कराया भोजन। कायमगंज आज जनपद के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र ने गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर छोटे छोटे बच्चों एवं उनके माँ बाप सहित सैकड़ों गरीबों की ढेर सारी दुआएं ली। उन्होंने कहा कि मेरे लिए परोपकार से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और मानवता से बढ़कर मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। उन्होंने आज गांधी जयंती पर कहा कि आजीवन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बापू ने संपूर्ण मानव जाति को न सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाया। गांधी जी के लिए परोपकार से बढ़कर कोई सेवा नहीं थी और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं था। गांधी जी से जब ये पूछा गया था कि आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं तो उनका कहना था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए आज हम सभी बापू के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बेहद आवश्यकता है। इसलिए आज हम सभी को बापू के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बेहद आवश्यकता है। जनपद के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि हमें गांधी और शास्त्री के सपनों का भारत बनाने की जरूरत है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान का गीत गाने वाले महात्मा गांधी के भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैल रही है, महिलाओं पर शोषण हो रहे हैं। ये देखकर निश्चित रूप से गांधी और शास्त्री की आत्मा रो रही होगी। डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि अपने बच्चों को संस्कार दें और विशेष तौर पर अपने पुत्रों के आचरण पर नज़र रखें। डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि महामारी कोरोना के कारण पूरा विश्व त्रासदी झेल रहा है। हमें आपको सावधानी बरतते हुए सामाजिक व आर्थिक गतिविधियाँ जारी रखनी है। सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और मास्क अवश्य लगाएं। ये आपकी और आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।